जोधपुर के सेतरावा स्थित विरम देवगढ़ के रेतीले धौरे में नजर आए पैंथर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। खनोड़ी गांव के खनन क्षेत्र के बीच घनी झाड़ियों और पत्थरों में छिपे पैंथर को वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह राठौर ने ट्रैंकुलाइज किया। वहीं पैंथर के रेस्क्यू होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। साथ ही रेंजर महेंद्र चौधरी के निर्देशन में पैंथर को जोधपुर ले जाया गया। लेफ्ट की सूचना दी थी सेतराव गांव के आसपास, तो पूर्व में भी सेतराव गांव के आसपास क्लब में एक पैंथर हमने 2016 में रेस्क्यू किया था, तो मुझे ये संभावना थी कि लेफ्ट का मूवमेंट यहाँ हो सकता है। लेकिन हमारे डीओ साहब ने मेरे जो कंसर्न डीओ पर हमसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे यहाँ जोधपुर टीम की मदद करने के लिए बोला। जोधपुर टीम से हमारी जो रेस्क्यू टीम है ओपेंसी मैं और टीम का बहुत अच्छा सहयोग है। और हालांकि लेफ्ट ऐसी जगह था कि उसको आसानी से हम रात नहीं कर पाए, वो चार्जिंग के अंदर छुप के बैठा था। बालेश्वर के सेतरावा क्षेत्र में गांव में पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मैं मौके पर पहुंचा और पैंथर की पुष्टि होने पर सीनियर वाइल्ड लाइफ डॉक्टर श्री श्रवण सिंह जी को सूचना दी गई और कुछ अधिकारियों के मार्गदर्शन में श्रवण सिंह जी को भेजा गया और जोधपुर से भी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और काफ़ी मशक्कत के बाद पैंथर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है।